आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं NYKS रिजल्ट के बारे में। जिन सभी कैंडिडेट्स ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई करता और उसका रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था, उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट जल्दी रिलीज होने जा रहा है। सभी कैंडिडेट इसके रिजल्ट को किस प्रकार से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी को जानने के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। नेहरू युवा केंद्र संगठन जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर NYKS 2019 का रिजल्ट रिलीज करने जा रहा है। यह रिक्रूटमेंट टोटल 228 वैकेंसीज DYC, MTS और टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए रिलीज करी गई थी। जिन सभी कैंडिडेट्स ने 31 दिसंबर 2018 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर दिया था और इसके डिफरेंट पोस्ट के लिए इसके रिटर्न एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे, इन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट जल्दी रिलीज होने जा रहा है। सभी कैंडिडेट्स इसके रिजल्ट से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए। इस रिक्रूटमेंट में ACT का एग्ज़ाम 25 जनवरी 2019 को, DYC का एग्ज़ाम 29 जनवरी 2019 को और MTS का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2019 को कंडक्ट करवाया गया था। हमने अपनी वेबसाइट में इसके आंसर के से रिलेटेड भी एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाई है। सभी कैंडिडेट्स इस डायरेक्ट लिंक के जरिए NYKS के आंसर की भी पूरी जानकारी को चेक कर सकते हैं। NYKS में डिफरेंट पोस्ट वाइज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दो स्टेजेस पे करवाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन और सेकंड स्टेज पे पर्सनल इंटरव्यू। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट में भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दो स्टेजेस पे कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन और सेकेंड स्टेज पर टाइपिंग और स्किल टेस्ट। और मल्टी टास्किंग की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एक स्टेज पर रहेगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पे। इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर में कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज हैं, यूअर कैंडिडेट्स के लिए 51 सीट, SC कैंडिडेट्स के लिए 15, ST कैंडिडेट्स के लिए 8 और OBC कैंडिडेट्स के लिए 27 सीट। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट में यूअर कैंडिडेट्स के लिए 37 सीट, SC कैंडिडेट्स के लिए 11, ST कैंडिडेट्स के लिए 5 और OBC कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट। मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए यूअर कैंडिडेट्स के लिए 26 सीट, SC कैंडिडेट्स के लिए 8, ST कैंडिडेट्स के लिए 4 और OBC कैंडिडेट्स के लिए 14 सीट। हमने अपनी वेबसाइट में आपको कुछ डायरेक्ट लिंक्स भी प्रोवाइड करवाई हैं। सभी कैंडिडेट्स इस डायरेक्ट लिंक के जरिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूम लिखने की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को भी चेक कर सकते हैं। और जो सभी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इस बेस्ट इंटरव्यू टिप्स फॉर फ्रेशर्स लिंक पर जाकर फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू की भी इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं NYKS रिक्रूटमेंट में पोस्ट वाइज सैलरी स्केल क्या रहेगा। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट में जो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट्स का सैलरी स्केल एज पर लेवल 10 के अकॉर्डिंग ₹56,100 से ₹1,77,500 तक रहेगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का सैलरी स्केल एज पर लेवल 4 में ₹25,500 से ₹81,100 तक। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट में कैंडिडेट्स का सैलरी स्केल एज पर लेवल 1 ₹18,000 से ₹56,900 तक रहेगा। हम और सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ DYCS, ACTS और MTS लिंक पर जाकर भी इसकी पूरी जानकारी को केयरफुली रीड कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।